गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इंडियन रीजनल रेसिपी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पम्पकिन करी, बहुत इजी तरीके से बनाना है। यहाँ पे मैं उसके लिए 350 ग्राम पम्पकिन ले रही हूँ कद्दू, जो कि ऑरेंज कलर में बहुत अच्छे फ्रेश कद्दू है, जिसको मैंने पल्प एंड स्किन निकाल स्किन नहीं निकाला पल्प निकाला और बीज निकाल दिया और स्किन मैंने रखा, बिकॉज मुझे उसका थोड़ा सा क्रंची टेस्ट पसंद है। अच्छे से धोना है और एक कढ़ाई में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, जिसमें 1 स्पून राई जीरा डाला और थोड़ा सा हींग डाला है और साथ साथ 2 हरी मिर्च काट के डाला और थोड़ा करी पत्ता और थोड़ा सा लहसुन एंड अदरक दोनों काट के डाला है। और जब वो थोड़ा सा सौते हो जाए, ब्राउन कलर में आ जाए, फिर मैंने उसमें डाला है एक प्याज अच्छे से चॉप करके। जब प्याज भी आपका ट्रांसल्यूजेंट हो जाएगा अच्छे से सौते हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1/4 ऑफ टमाटो। मतलब मेरे पास एक्चुअली टमाटो ज़रूरी नहीं है इसमें डालना है, बट मेरे पास पड़ा हुआ था छोटा सा टुकड़ा तो मैंने डाल दिया। साथ में आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि सारी चीज़ें जल्दी पक जाए। ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाते रहिए ताकि वो नीचे चिपके ना बॉटम में। जब आपके अनियन और टमाटो थोड़ा सा पक जाए, अराउंड 2 से 3 मिनट सौते हो जाए, फिर आप डालिए सारे ड्राई मसाले, जैसे कि 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपकी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आए। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये सारे डाल के वापस उनकी रॉस मिल जाने तक अराउंड 1 से 1.5 मिनट आप थोड़ा सा उसको सौते कर दीजिए। फिर आप डालिए जो काट के आपने रखा था कद्दू। कद्दू की कद्दू पकने के लिए हार्डली 10-15 मिनट जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है कद्दू। बस इसमें मैं चिक्कर के साथ डाल दूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा देर पका लूँ, बट इसमें पानी नहीं डालना तुरंत आपको, थोड़ा ढककर धीमी आँच पे भाप में ही पकाइए, वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है। डोंट वरी, बस आप इसमें उसको मिला के रहिए सो दैट कि वो बॉटम पे चिपके ना। जब कद्दू आपका धीमी आँच पे पक रहा हो, तभी आप थोड़ा सा इमली आप अच्छे से धोकर उसको सोक करके रख दीजिए, अराउंड 5 से 6 मिनट रखिए ताकि वो अच्छे से सोक हो जाए। और मैं इमली के पानी की वजह में इमली के साथ साथ ही मैंने पूरा कद्दू में डाल दिया। अगर आप चाहो तो इमली निकाल कर उसमें सिर्फ पानी डाल दीजिए। साथ में मैंने थोड़ा सा जैगरी डाला है, गुड़, वो और अपनी जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट बहुत एनहांस करता है। जनरली मैं ज़्यादातर अपनी सब्जियों में शुगर डालते हुए आप देखा होगा आपने, मगर यहाँ जैगरी इसलिए डाली, जैगरी कद्दू से बहुत अच्छा वेल मर्ज होता है। तो ये सारा साथ में आपको जितना भी पानी डालना है वो भी अभी डाल दीजिए और इसको धोकर वापस से पकाइए 10 से 15 मिनट। आपकी कद्दू की सब्जी रेडी है। आप सर्व करने से पहले थोड़ा धनिया डालकर आप गार्निश कर लीजिए। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए फॉर मोर नोटिफिकेशन अबाउट माय वीडियो। ये सेम वीडियो और इंग्लिश एंड तेलुगु में भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वेल, आप अपने तरीके से कैसे बनाते हैं कद्दू वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लाइक टू ट्राई। थैंक यू सो मच।